और भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के खिलाफ लश की गिरफ्तारी की तलवार। खगड़िया व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी हीम शेखर मिश्रा ने आदेश जारी किया। बता दें कि वर्ष 2018 में अक्षरा सिंह समेत चार पर खगड़िया कोर्ट में एक टेंट हाउस के मालिक शिवम कुमार ने परिवाद दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के नहीं पहुंचने के कारण कार्यक्रम स्थल पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। शहीद किशोर कुमार मुन्ना की याद में JNKT मैदान में वर्ष 2018 में कार्यक्रम आयोजित था, जहां अक्षरा सिंह इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची। इधर आवेदक के वकील अजीताभ सन्हा ने बताया कि दायर परिवाद पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, इसको लेकर समन भी भेजा गया, लेकिन आरोपी अक्षरा सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। 2018 में एक केस हुआ था अमर शहीद किशोर कुमार मुन्ना के नाम पे, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अक्षरा सिंह ने अपना वीडियो मैसेज जारी करके कहा था कि मैं खगड़िया आ रही हूँ, और खगड़िया वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आ रही हूँ, आप लोग वहाँ पहुँचिए और शहीद के नाम पे जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें भाग लीजिए। लोगों ने सहयोग राशि दे के 151 रुपये का टिकट कटा के सहयोग किया और कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन अक्षरा सिंह नहीं आई और बहुत भारी बवाल हो गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ टेंट वालों का, साउंड सिस्टम वालों का, और उसी में से एक जो टेंट संचालक हैं गंगा टेंट मानसी के शुभम कुमार, उन्होंने केस किया था कि अक्षरा सिंह ने गलत मैसेज दे के लोगों को बुलाया और उनका टेंट लगवा के उसका नुकसान कराया। इसी मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था, लेकिन अक्षरा सिंह उपस्थित नहीं हो रही हैं, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट न्यायालय से श्री हिमशिखा मिश्रा के न्यायालय से जारी किया गया है, जो उनके मुंबई के पते पर भेजा गया है। क्या जरूरत पड़ गया जो मतलब जो है वारंट जारी करना पड़े, बार बार कोर्ट से ज्ञान ले रहा था। 2020 में अक्षरा सिंह की तरफ से एक अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की गई थी, जो DJ 5 के न्यायालय से खारिज हो चुकी है। उसके बाद भी वो न्यायालय आने से बचती रहीं और ये मामला पेंडिंग ना रहे, इसलिए न्यायालय ने उनकी उपस्थिति को जरूरी समझते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। कौन कौन किया है? सुश्री हिमशिखा मिश्रा के न्यायालय से जारी हुआ है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।